अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रॉफी टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे नई विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो नई विंडो को इंस्टॉल करने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से ऐसे एक दो वो ज़रूरी काम हैं जो आपको लाजमी करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर पर नई विंडो इंस्टॉल हो जाए और इसके दौरान आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपके कंप्यूटर में जितना भी आपका डेटा था वो डेटा ज़ाया ना हो बल्कि आपके डॉक्यूमेंट्स में डेस्कटॉप पे डाउनलोड्स में जो जो चीजें पड़ी हुई थी वो नई विंडो इंस्टॉल करने के बाद वापस एज इट इज अपनी जगह पे आ जाएं, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना है क्योंकि मैं आपको एक दो छोटे से काम बताऊंगा जो अगर आप कर लेंगे विंडो इंस्टॉल करने से पहले तो आपको कोई भी मसला पेश नहीं आएगा और अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका डेटा जाया हो जाए या कोई भी और मसला आपको विंडो की इंस्टॉलेशन के दौरान आ सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा, उसमें आपका इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है और आपने उसमें विंडो भी इंस्टॉल करनी है, तो विंडो इंस्टॉल करने से पहले बगैर हार्ड डिस्क उतारे आप सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, कैसे आप उसका डेटा का बैकअप ले सकते हैं ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो जाया होने से बच जाए। इसके अलावा अगर आप विंडो 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो जो है वो बहुत जल्द आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी वीडियोज आप देख सकें जैसे ही नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, तो उसके लिए आपने मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और उसके बाद यहाँ पे दोबारा क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद जैसे ही नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। तो दोस्तों अभी ये मेरा एक लैपटॉप है जिस पे मैंने नई विंडो इंस्टॉल करनी है, विंडोज 11 मैं इस पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, अभी इस पे विंडोज 10 चल रही है। तो विंडो इंस्टॉल करने से पहले दो बहुत जरूरी काम है जो आपने कर लेने हैं। सबसे पहला काम ये है कि आपने अपने माई कंप्यूटर को या दिस पीसी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ड्राइव है, इसमें से जो विंडोज वाली ड्राइव है जो सी ड्राइव है वो ये वाली है। तो आपने यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको रीनेम कर लेना है। बहुत जरूरी काम है, छोटा सा काम है, लेकिन ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मसला आ सकता है। उसके बाद आपने इस पे कोई भी ऐसा नाम रख लेना है जो आपको याद हो और जब आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इस ड्राइव को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। बहुत से लोग विंडो इंस्टॉल करते वक्त जब ड्राइव को फॉर्मेट करना होता है तो वो दूसरी कोई ड्राइव फॉर्मेट कर देते हैं, उनको समझ नहीं आती कि सी ड्राइव कौन सी है, तो वो कोई भी दूसरी ड्राइव फॉर्मेट कर देते हैं जिससे उनका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। तो आपने इसको रीनेम करने के बाद कोई भी आपने ऐसा नाम रख लेना है जो आपको याद रहे और आप उसको इंस्टॉलेशन के वक्त आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। तो अब जब हम विंडो इंस्टॉल कर रहे होंगे तो जो ड्राइव ये वाली है इसका ये नाम हमें नजर आ जाएगा विंडोज 10, तो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि हमने इसी में विंडोज जो है वो इंस्टॉल करनी है, तो इसी को हम फॉर्मेट करेंगे। उसके बाद बात आती है जी कि आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप कैसे लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे बहुत सारा डेटा मौजूद है। इसके अलावा यहाँ से अगर मैं डाउनलोड्स के अंदर जाऊँ या माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है। अब मैं एक एक फोल्डर को कॉपी नहीं करूंगा बल्कि मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताऊंगा कि आप इसका बैकअप कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो कंप्यूटर है उसको आपके अलावा भी कोई चलाता है तो उसका डेटा भी हो सकता है, तो जितने भी यूजर है उन सबका बैकअप आप कैसे ले सकते हैं। तो आप यहाँ से सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में जाने के बाद आपने यहाँ से ये यूजर्स वाला फोल्डर है इसमें चले जाना है। यूजर वाले फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर को जितने लोग इस्तेमाल करते होंगे उन सबका यहाँ पे यूजर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो यूजर हैं, ये पब्लिक वाला आपने छोड़ देना है। तो किसी भी यूजर के डेटा का बैकअप लेने के लिए आपने उस यूजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी फोल्डर नजर आएंगे आपने उन सबको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने उनको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने अपने कंप्यूटर की किसी भी दूसरी ड्राइव में चले जाना है जिसपे आप विंडो इंस्टॉल नहीं करेंगे। सी ड्राइव के अलावा आप किसी भी दूसरी ड्राइव में चले जाएं, और अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक ही ड्राइव है तो आपने अपने कंप्यूटर के साथ कोई यूएसबी या कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा लेनी है और उसमें भी आपने यही काम करना है। तो यहाँ से मैं अपने कंप्यूटर की जो डी ड्राइव है जिसमें हमने विंडो इंस्टॉल नहीं करनी उसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने एक नया फोल्डर बनाना है और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको बैकअप का नाम दे देता हूँ। नाम देने के बाद आप यहाँ पे डेट दे देंगे तो और आपका काम आसान हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये बैकअप आपने किस डेट को लिया था। तो डेट और बैकअप का नाम देने के बाद आपने इस फोल्डर को ओपन करना है।
यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना है और जिस यूजर का आप बैकअप लेना चाह रहे हैं आपने इस फोल्डर को वो नाम दे देना है। नाम देने के बाद आपने इस फोल्डर में जाके यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपके उस यूजर का जितना भी डेटा है वो बैकअप हो जाएगा उसके डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स में, माई डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ जहाँ पे जो भी डेटा होगा वो सारा यहाँ पे आपके इस बैकअप वाले फोल्डर में आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास एक और यूजर है तो मैं उसका भी यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ। सेकंड यूजर का फोल्डर बनाने के बाद हम वापस अपने सेकंड यूजर को ओपन कर लेंगे और सेकंड यूजर को ओपन करने के बाद यही काम हमने दोबारा करना है। उस यूजर में जितना भी डेटा है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उसको कॉपी करेंगे और वापस हम इसी फोल्डर के अंदर आ जाएंगे और सेकंड यूजर वाले फोल्डर के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह आपके जितने भी कंप्यूटर पे यूजर होंगे उनका तमाम का तमाम डेटा जो है वो बैकअप हो जाएगा और कोई भी डेटा आपका जाया नहीं होगा। इसके अलावा एक छोटा सा काम और आपने करना है, यहाँ से आपने अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव में जाना है और यहाँ पे देख लेना है कि आपका कोई डेटा यहाँ पे तो नहीं पड़ा हुआ। अगर यहाँ पे डेटा होगा तो उसको भी आपने कॉपी कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे कोई अपना इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है तो आपको फोल्डर नजर आ जाएगा, यहाँ पे इस वक्त कोई भी ऐसा फोल्डर नहीं है, सारे जो है वो विंडोज के अपने बनाए हुए फोल्डर्स हैं, तो मेरा इसमें कोई डेटा मौजूद नहीं है। अगर आपका यहाँ पे डेटा मौजूद है तो आपने उसको यहाँ से कॉपी करके उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो मुकम्मल सी ड्राइव है उसका डेटा बैकअप हो जाएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप नई विंडो कर लेंगे तो उस डेटा को आप वापस रीस्टोर कैसे करेंगे, यानी जब आप वापस नई विंडो करेंगे तो यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे जितनी चीज़ें मौजूद हैं सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अब अगर आप कंप्यूटर पर विंडो करना चाह रहे हैं तो इन दो तीन स्टेप्स पर अगर आप अमल करेंगे तो आपका कोई भी डेटा जो है वो ज़ाया नहीं होगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।